और ये है सरसों की खेती यहाँ पे पहाड़ों में। दुल्हन की शादी की डोली जा रही है, पहुँच चुके हैं बोरा हॉस्पिटल में। देखो मम्मी और पापा उधर बैठे धूप सेक रहे हैं और हम आए हैं दीदी जी के रेस्टोरेंट में और यहाँ पे देखो गर्मा गर्म लंच कर रहे हैं। नमस्ते, कैसे हो? ठीक है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। हेलो, अभी ठीक है तबीयत? अच्छा, तो चलो मैं गाड़ी लेके आता हूँ। ऐसे देखो कितने घने घने मकान है रुद्रप्रयाग में, जो कि हमारा जिला है रुद्रप्रयाग। हमारे घर में बुड्ढी जी आई हैं मम्मी की खबर करने। बुड्ढी जी, क्या तुम्हारी उम्र कितनी बोली? बोली 100 वर्ष 75 वर्ष। जय श्री राम, हर हर महादेव। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में, उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं अपने घर केदार घाटी से और आज का मौसम का हाल देखिए, बड़ा सुहाना मौसम है और ये देखो धूप भी अच्छे से खिली है। और गाइस, आज हम जा रहे हैं रुद्रप्रयाग बोरा हॉस्पिटल में, जो कि माँ का फिर से चेकअप कराना है। उन्होंने बोला था कि एक महीने बाद आना, तो आज बोरा हॉस्पिटल में जा रहे हैं माँ का चेकअप कराने और आपको दिखाते हैं। और गाइस, हम रास्ते में जा रहे थे और हमको दिखा है सामने पे ये डोली है, जो कि लड़की वालों की तरफ से दिया जाता है, शादी की डोली है। सो गाइस, अभी पहुँच चुके हैं रुद्रप्रयाग में और यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है रुद्रप्रयाग बाईपास, बद्रीनाथ बाईपास के पास में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। और यहाँ से देखो नीचे, देखो अलकनंदा के दर्शन कराता हूँ आपको। ये है अलकनंदा नदी जो निकलती है बद्रीनाथ से। एकदम मटमेला कलर की है ये अलकनंदा नदी, देख सकते हैं। अब से चलते हैं बोरा हॉस्पिटल में, मम्मी तो चली गई वहाँ पे, मैंने यहाँ पे गाड़ी को खड़ी कर दिया है, अब मैं भी चलता हूँ पटक से। सो गाइस, यहाँ पे देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ रोड के किनारे पे पार्क की हुई है, देख सकते हैं आगे तक, क्योंकि ये एकदम चौड़ा रोड है नेशनल हाईवे बद्रीनाथ का। और देख सकते हैं यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम दिखाई दे रहा है। एक एक नदी है मटमेला कलर की और एक है ग्रीन कलर की, देख सकते हैं। ये देखो हम पहुँच चुके हैं बोरा हॉस्पिटल में और मम्मी जी भी वेट कर रही है डॉक्टर साहब का, और यहाँ पे बैठी है मम्मी जी। और अंदर तो बहुत ठंडा हो रहा है और ये देखो लाइट भी चली गई अभी। तो ये है बोरा हॉस्पिटल के अंदर का नज़ारा। और हम आए हैं दीदी जी के रेस्टोरेंट में और यहाँ पे देखो गर्मा गर्म लंच कर रहे हैं, और लंच में देखो दाल सब्जी रायता और सलाद रोटी। पहले एक बार लंच करते हैं और फिर। तो अभी हमारा दिन का खाना वाना हो गया है। ये हमारी दीदी जी, नमस्ते, कैसे हो? ठीक है। और ये दीदी जी की छोटी वाली बालिका, और ये देखो इनका प्यारा सा डॉगी। और ये हमारे भाई साहब हैं, नमस्कार भाई साहब। और यहाँ पे हर समय भीड़ रहती है, बोरा हॉस्पिटल के ठीक पीछे पे है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। हेलो, कैसे हो? ठीक हो? हाँ। अरे वाह, गाइस हम भी आ चुके हैं यहाँ से और मम्मी लोगों को मैं आपको दिखाता हूँ। मम्मी लोग उधर पे बैठे हैं धूप सेक रहे हैं, वो देखो वहाँ पे, ये देखो। और ये देखो मेरी मम्मी और पापा जी है, और मम्मी आई थी आज, आज मम्मी को लेके आए थे बोरा हॉस्पिटल में चेकअप कराने। और ये देखो हमारी मम्मी जी, उनका चेकअप हो गया है, बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और अब यहाँ से चलते हैं घर की ओर। और मम्मी देखो, मम्मी और पापा उधर बैठे हैं धूप सेक रहे हैं, ये देखो। दीदी ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था, तो खाना बिल्कुल टेस्टी रहता है, घर जैसा खाना रहता है उनका। तो अभी चलते हैं यहाँ से घर की ओर। अरे देखो यहाँ पे मम्मी लोग यहाँ पे धूप सेक रहे हैं, अब पापा भी यहाँ पे धूप सेक रहे हैं, मम्मी पापा। अभी हॉस्पिटल से आ गए हैं, अभी चलते हैं घर। अभी ठीक है तबीयत? अच्छा, तो चलो मैं गाड़ी लेके आता हूँ। सो गाइस, अंदर तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, दिन का समय है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अरे हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, अपनी गाड़ी को फटाफट से यहाँ के आजू बाजू के देखिए गढ़ देखिए, लोग आराम से, ये देखो यहाँ पे शायद खटाई खा रहे हैं वो लोग, हाँ धूप पे खटाई, तो पहाड़ों में ऐसे ही होता है मस्त वाला। और यहाँ से देखो कितने घने घने मकान है रुद्रप्रयाग में, जो कि हमारा जिला है रुद्रप्रयाग। अभी चलते हैं फटाफट। अभी मम्मी ये तो बहुत दूर है, पहले तो पत्थर निकालना पड़ेगा।
अरे बाप रे, इधर तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही भाई। है सो गाइस, क्योंकि अभी धूप कड़ाके की धूप है तो यहाँ अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होगी। थोड़ा एसी ऑन करता हूँ। और अभी हम लोग आ रहे हैं बद्रीनाथ रोड से। यहाँ से एक रोड जाएगी रुद्रप्रयाग मार्केट के लिए और एक रोड ये वाली जाएगी गुप्त काशी के लिए। और ये है, यहाँ पे एक ब्रिज आएगा, लोहे का ब्रिज जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना ब्रिज है। और इसके सीधे आगे पे एक सुरंग आपको दिखेगी। अरे देखो, यहाँ पे सिंगल रोड है, अगर दो बड़ी गाड़ी आ गई तो समझ लो फंस गया। इस पुल में मतलब एक ही गाड़ी अलाउड है जाने के लिए, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है। अरे देखो ना, ये सबसे ज़्यादा पुराना पुल है। और हम लोग आ गए हैं जो रुद्रप्रयाग की सुरंग है। और ये देखो, ये भी बहुत ही ज़्यादा पुरानी सुरंग है। और ये देखो, बाप रे बाप, ऐसा लग रहा है कि हम किसी गुफा में आ गए। तो ये है गुप्त काशी जाने के लिए रास्ता, जो कि मतलब ज़्यादा चौड़ी रोड नहीं है, है तो सिंगल ही है। अब यहाँ से देखो, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं। और ये सीधे जो सामने वाली रोड है वो बाईपास वाली है। और हम पहुंचने वाले हैं रुद्रप्रयाग बाईपास के पुल पे। यहाँ से एक रोड जाएगी रुद्रप्रयाग बाईपास के लिए और एक रोड जाएगी केदारनाथ के लिए। और गाइस, यहीं बगल पे बन रहा है एक बद्रीनाथ बाईपास के लिए सुरंग, जो कि काफ़ी इजी हो जाएगा। और ये देखो, हम चले गए हैं केदारनाथ नेशनल हाईवे पे। और सामने के पहाड़ों पे देखिए, धूप चमक रही है। और गाइज, अभी हम घर को जा रहे थे और यहाँ पे देखो कितना प्यारा नज़ारा है हमारे इन खूबसूरत पहाड़ों का। और ये है सामने हाट गांव है, जो कि अगस्त मुनि से आगे पड़ता है। और ये देख सकते हैं आपको, मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ। ये देखो, वाह। और ये है सरसों की खेती यहाँ पे पहाड़ों में, कितनी प्यारी क्या लग रही है गाइज। ये देखो सरसों की, और ये सरसों की खेती देखो हमारे पहाड़ों में कितनी प्यारी लग रही है। आजकल देखो सरसों कैसा फूला हुआ है, मस्त वाला ऐसा नज़ारा आपको और कहाँ मिलेगा। अगस्त मुनि मार्केट से हम दो कढ़ाई लेके आए हैं। ये लोहे की कढ़ाई है तो ये सब्जी बनाने के काम आएगी, क्योंकि लोहे के बर्तन पे खाना बहुत टेस्टी होता है। और अभी हम चाय पी रहे हैं, हमारे घर में बुड्ढी जी आए हैं मम्मी की खबर करने, और उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई है पूनम ने। और ये देखो हमारी बुड्ढी जी चाय पी रहे हैं। और हमारी बहुत बुड्ढी जी हैं, ये देखो बुड्ढी जी। क्या तुम्हारी उम्र कितना बोली? 100 होगी, 100 बंदा होगी। हाँ, अरे देखो बुड्ढी जी अभी भी क्या जवान है, अभी भी बुड्ढी जी हैं, अभी जवान है बुड्ढी जी। तो चलो चाय पी लो तब तक बुड्ढी जी आप। तो गाइज, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय केदार बाबा, हर हर महादेव।